हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लेते हैं पेपर का डिस्कशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिट। मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है तो मैं टैबलेट में देखूंगा। तो द क्वेश्चन वन इज फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। और हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log टू द बेस रूट सेवन, और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हो सकेगा जितना, साइन x माइनस cos x प्लस 5, ठीक है। तो देखो, इसने डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट किया नहीं है, तो हमें पता है कि sin x माइनस cos x है, ये कहां से कहां जाता है, फॉर ऑल x रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इज माइनस रूट टू से रूट टू, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 से। तो ये हो गया माइनस रूट टू से रूट टू। तो जब ये रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू से टू। फिर इसमें अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो मैं ओवरऑल लॉग का आर्गुमेंट की रेंज निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 विच इज 3 और 5 प्लस 2 विच इज 7। तो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ लॉग, एंड वी नो बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड लॉग इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग करता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। तो इस लॉग के लिए ये आर्गुमेंट का काम कर रहा है। लेट्स से डोमेन इज अल्फा से बीटा, ऐसे बोलो, तो इसमें 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, लॉग 3 टू द बेस रूट 7 से लेके हो जाएगा log 7 टू द बेस रूट 7, दिस द आंसर। अब हम ऑप्शंस देख लेंगे, जिस हिसाब से ऑप्शंस दिए उस हिसाब से हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो ऑप्शंस में है हमारे, तो देखो इसको एक तो ये पावर हाफ है, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, ये वाली log ऑफ a टू b टू द बेस a की पावर k, तो ये आगे जाके 1 बाय k हो जाता है, तो ये आगे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये पावर इधर ले आए, और अगेन ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 log 3 टू द बेस 7 से लेके 2 और ये log 7 टू द log बेस 7 1 हो गया। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 2 कॉमा इंफिनिटी से लेके y, डिफाइंड बाय f of x is equal to x square minus 4x plus 5 is both 1-1 and onto. If अब हमें y की range निकालनी है कि such that this is 1-1 and onto. तो let's plot the graph of it for this interval. तो पहले तो मैंने पूरा graph बनाया, तो इसका vertex कहाँ आ रहा है, x is equal to 2 पे, तो ये हो गया 2. 2 पे value कितनी आ रही है, 4 plus 5, 9 minus 8, 1, तो ये हो गया 1. So this is the parabola. बट हमें पूरा पैराबोला नहीं बनाना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया इसने 2 से इनफिनिटी, तो इतना पैराबोला नहीं आएगा यहां से, ये वाला ओनली दिस पार्ट ऑफ ग्राफ विल कम। अब मैंने बोला ये 1-1 है क्या, 1-1 तो है, ऑन टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो रेंज है दैट शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन y दिया है, तो और इसका रेंज हम ग्राफिकली देख सकते हैं क्या है, 1 क्लोज से इनफिनिटी, सो अवर दिस विल बी अवर y कोडोमेन, सो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 1 क्लोज से इनफिनिटी। Now third question. Let f define from R to R be a function defined by this, then f is. तो देखो y क्या दे रखा हमें, x cube plus x square plus 3x plus sin x, ठीक है। तो देखो function तो continuous है, because this is continuous polynomial and this is continuous sin x, तो function तो continuous होगा। अब हम इसका derivative और check कर लेते हैं 1-1 के लिए। तो देखो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस cos x, दिस इज व्हाट माय f डैश x। अब f डैश x के लिए हम चलो ठीक है, तो मैं इसका एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, मेरा जो क्या है इसमें, लेट f डिफाइन फ्रॉम r टू r यू फंक्शन डिफाइंड बाय दिस देन f इज, ठीक है। तो f इज, तो 1-1 है क्या, नहीं, तो उसके लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए हर एक x के लिए, तो देख लेते हैं एक बार। तो इस ये दिस इज अ पैराबोला, अच्छा इसका d चेक, चलो एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख के, चलो इसको प्लॉट ही करते हैं, इस पैराबोला को आई एम प्लॉटिंग है, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स कहां आएगा, देखो माइनस बी बाय टू ए, तो माइनस टू बाय टू थ्री जा सिक्स, तो माइनस टू बाय सिक्स मतलब माइनस वन बाय थ्री पे, माइनस वन बाय थ्री पे वैल्यू कितनी आएगी ये रख रखो इसमें, तो जाएगा 3 इंटू 1/9, तो 1/3 माइनस 2/3 प्लस 3 और हाँ ये इतना हुआ, तो ये हो गया 3 माइनस 1/3,
विच इज 8/3। तो इधर हमारा किधर आ रहा था, -1 पे वर्टेक्स और वैल्यू इज 8/3। तो देखो ये जो पैराबोला है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 8/3। इसकी मिनिमम वैल्यू इज 8/3। अब मैं इसमें अगर cos x की वैल्यू कोई भी ऐड करूंगा, क्योंकि cos x की रेंज क्या है, -1 से 1, तो -1 से 1 की क्वांटिटी अगर मैं 8/3 में ऐड करूंगा, दैट विल रिमेन द पॉजिटिव ओनली। तो f dash x क्या है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब f dash x नॉट चेंजिंग इट्स साइन, दैट रिमेन्स पॉजिटिव। इसका मतलब f x जो है दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। अब आते हैं हम ऑन टू पे, तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन, कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू रेंज। अब मुझे पता है कि ये जो साइन एक्स है ये तो हमेशा -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। बट ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, -∞ पे -∞ होगा, इसके कारण ये डोमिनेटिंग टर्म है, इन्फिनिटी -∞ पे, और +∞ पे भी ये डोमिनेटिंग है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो -∞ से इन्फिनिटी है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रेंज। उसमें अगर मैं प्लस माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन अगर कोई पार्ट ऐड कर रहा हूं, तो द रेंज विल रिमेन आर ओनली। तो हमारा रेंज क्या हो गया, आर, और कोडोमेन क्या है, आर, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना। नाउ वी विल गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेट एफ इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इंटू एक्स, और सो लेट दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इफ एफ इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई देन ए बिलोंग्स टू। तो हमें इसका पीरियड दे दिया उसने कि इसका पीरियड इज पाई, तो मुझे पता है कि साइन ऑफ लेट से ए एक्स होता था, तो इसका पीरियड क्या होता था, 2π/a, ऐसे करते थे। a से क्या होता है, स्केल हो जाता है x एक्सिस, तो अगर a अगर 1 से बड़ा है तो पीरियड कम हो जाता था, उल्टा मतलब कंप्रेस हो जाता था ग्राफ, ठीक है। तो अब मैंने उसमें दे रखा है कि इसका पीरियड जो है वो पाई, वो सॉरी पाई है, दैट मींस a शुड, इतना पार्ट देखना जो मैं सर्कल कर रहा हूं, दिस पार्ट हैज टू बी 2, तभी हमारा आएगा जो पीरियड है, दैट विल बी 2π/2, दैट इज पाई। अब मैंने बोला इसको 2 आने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर मतलब क्या लिखा है मेरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, ये चीज क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू 4, तभी मेरा रूट 4 2 आएगा। अब किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कब आता है, जब वो नंबर 4 क्लोज से 5 ओपन लाइक करे, क्योंकि अगर x की वैल्यू, a की वैल्यू 4 क्लोज से 5 ओपन होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4, रूट 4 इज 2 एंड sin 2x का पीरियड इज पाई, क्लियर है। तो हियर ओपन वेलकम, ठीक है ना, बहुत से बच्चों ने शायद गलती भी किया हो मे बी, बट 4 क्लोज से 5 ओपन वेलकम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन नंबर 5th, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज, तो कॉट, ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे, ऊपर कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, फिफ्थ वाले में ऊपर कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, तो डोमेन तो आर हो गया, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आर होता है, क्योंकि जो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, जो टेन एक्स और कॉट एक्स का रेंज होता है वो इधर इनवर्स के लिए डोमेन होता है, तो डोमेन तो ऊपर वाले की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे लिखा है मेरा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्लियर आई थिंक माइनस लिखा है बीच में, देख लेते हैं जो भी है, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए अंडर रूट के अंदर, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इवन इक्वल टू भी नहीं चलेगा, इक्वल टू भी नहीं चलेगा। सो बस इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो ये 0 कब होगा, एक तो इंटीजर्स पे, तो इंटीजर्स तो वैसे ही हट गए, और कहां 0 होगा, रूट एन पे, मतलब अगर एन मैंने इंटीजर लिया तो रूट एन पे भी ये क्या होगा, इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, तो रूट एन हट जाएंगे और इंटीजर्स हट जाएंगे और 0 हट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ ए बी इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ये क्या सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, एंड बी दैट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और ये बी जो सेट है दैट इज रियल नंबर, देन द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1 1 है क्या, तो आंसर मिलेगा 1 1, तो नहीं होगा, क्यों, द रीजन इज
कोई भी दो ट्राइंगल मैंने ले लिया, लेट्स से मैंने एक राइट एंगल ले लिया और एक ऐसे ले लिया, ये तो हो ही सकता है कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो। मतलब ये ट्राइंगल डिफरेंट है बट एरिया तो सेम हो सकता है ना, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल बोल रहा है ना ये, तो इनपुट हमारा ये दो डिफरेंट ट्राइंगल की है गए बट आउटपुट हमें इनका एरिया लेट्स से 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट स्क्वायर, तो एरिया तो सेम मिल रहा था दो एक्स पे, वी आर गेटिंग सेम वाई, हैंस इट इज मैनी वन। ठीक है, अच्छा अब ऑन टू होगा कि नहीं, तो इसने बोला है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो हर एक एरिया का ट्राइंगल मिल जाएगा, मतलब जो आउटपुट होगा दैट विल बी माय ऑल रियल नंबर्स। ठीक है चलो अब हम आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ एफ बी एन इंजेक्टिव मैपिंग, लेट एफ बी एन इंजेक्टिव मैपिंग विथ डोमेन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड रेंज 1, 2, 3, इंजेक्टिव है ठीक है ना, 1, 1 मैपिंग है विद द डोमेन दिस एंड रेंज सच दैट एक्जेक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिमेनिंग्स आर फॉल्स। तो उसने दे रखा है एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1 और एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2। ठीक है ना, उसने बोला है एग्जैक्टली, और निकालना क्या है एफ इनवर्स वाई, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तीन स्टेटमेंट में से एक करेक्ट है एग्जैक्टली, अब कौन सा है वो नहीं पता, तो वील मेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो मैंने बोला कि देखो ये क्या लिखा है, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू 1, दिस इज 1। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, या तो ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, या फिर ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, ये तो पीएनसी से हम या फिर मैनुअली काउंट करके भी बोल सकते हैं, तीन केसेस बनने वाले हैं, और ये हो गया ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स। अब इन तीनों में देखना हमें विच वन इज द करेक्ट वन। अब उसने क्या बोला है कि एग्जैक्टली एक स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मैंने बोला देखो अगर ये ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गया तो एफ एक्स वन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। अब अगर अब ये फॉल्स हुआ तो एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स, इसका मतलब एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 है। तो इधर से एफ एक्स वन आया, इधर से एफ वाई वन आया, बट मुझे पता है फंक्शन तो 1, 1 है ना, एक एक्स के लिए दो वाई तो मिल, दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई तो नहीं मिलेगा ना, हेंस दिस इज नॉट द पॉसिबल केस। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ऐसे तुम देख लेना, योर आंसर विल बी दिस वन, ये आएगा कैसे है देखो एक बार, चलो देख ही लेते हैं। मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉल्स है, इसका मतलब फॉल्स है, इसका मतलब एफ एक्स जो है दैट विल बी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, फिर मैंने बोला एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 ट्रू है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2 ट्रू है, इसका मतलब एफ ऑफ जेड कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो मुझे 1, 1 मैपिंग है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स 3 के बराबर हो गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है हमारी, तो दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, एफ इनवर्स वाई, तो एफ वाई 1 के बराबर है, तो एफ इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स 1 के बराबर। ठीक है, सॉरी एफ क्वेश्चन में पूछा है एफ इनवर्स 1, वही तो उल्टा हुई मैंने, तो एफ इनवर्स वाई 1 को मैप कर रहा है, वाई की इमेज 1 है, तो 1 की प्री इमेज क्या होगी, वाई, सो दिस विल बी इक्वल्स टू वाई। क्लियर है, और ये थर्ड वाला भी चलो देख लो, ये रिजेक्ट क्यों हो गया, उसने बोला एफ वन एफ एक्स इक्वल टू 1 ट्रू है, ठीक है, तो एफ एक्स 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया, एफ एक्स 1 के बराबर आ गया, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 ट्रू है, इसका मतलब एफ वाई भी 1 के बराबर आ गया, तो दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज फंक्शन इज 1, 1। ठीक है, तो फर्स्ट और ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, दिस इज द करेक्ट वन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर एंड जी डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, जी डिफाइन फ्रॉम आर टू आर बी 2, 1, 1 फंक्शन, 1, 1 ऑन टू फंक्शन सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू 0। तो 1, 1 ऑन टू फंक्शन है, फिर मुझे कमेंट करना है इनके एडिशन पे,
एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के ऊपर मुझे कमेंट करना है. लेट से दिस इज एच ऑफ एक्स कि ये मेरा 1 1 ऑन 2 वगैरह क्या होगा क्या नहीं. तो देखो इन सच क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई ऐसे फंक्शन एज्यूम करना चाहिए जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो उसने बोला है कि एफ एक्स और जी एक्स वो है मिरर इमेज अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड दे बोथ आर 1 1 एंड ऑन 2. दे बोथ आर 1 1 एंड ऑन 2. तो इसका मतलब क्या है देखो मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं. एक तो मैंने एज्यूम कर लिया एफ एक्स को ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अवर लाइन और इसका मिरर इमेज अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू जीरो क्या होगा ये वाली लाइन और ये होगी जी एक्स मेरी मान ली जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. दिस इज एफ वाई इज इक्वल टू एक्स दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स. अब हम देख लेते हैं एच एक्स क्या हो जाएगा मेरा अकॉर्डिंग टू दिस. मैंने क्या किया एज्यूम किया खुद से जो क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. तो मुझे मिला एक्स और माइनस एक्स आर द टू फंक्शंस व्हिच आर फुलफिलिंग द दीज रिक्वायरमेंट्स बिकॉज दोनों जो लाइन है दे आर ऑल 1 1 एंड ऑन 2 क्योंकि पूरा रियल एक्सिस कवर वाई एक्सिस कवर हो जाएगा तुम्हारा रेंज आर हो जाएगा ठीक है और इट इज डिफाइंड और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है 1 1 फंक्शन है एक एक्स के लिए एक ही बार मिलता है. तो अब मैं एच एक्स देखूंगा क्या आएगा एक्स माइनस एक्स विच इज जीरो तो मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो आया. वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब ये वाली लाइन. अब मैंने बोला क्या ये 1 1 है नहीं ये तो एक्स कुछ भी डालो इसमें हमेशा वाई जीरो आ रहा है तो दिस इज मैनी 1. फिर मैंने बोला क्या ऑन 2 है नहीं ये तो रेंज में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है दैट इज जीरो एंड दिस इज नॉट ऑन 2. क्लियर है. तो इन सच क्वेश्चन हमें क्या सीखने मिलता है कि वी हैव टू एज्यूम सम फंक्शन वी हैव टू एज्यूम सम फंक्शन ऐसे कि जो रिक्वायर्ड जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है. फिर हम देखेंगे कि आउटपुट जो आ रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाइन्थ वन. अब देखो नाइन्थ वन एफ कोलन माइनस 20 से 20 टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए इन टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है बी एन इवन फंक्शन एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इज. तो देखो अब मुझे बोला है कि ये फंक्शन इवन है तो एक तरीका चलो एक काम करते हैं इवन है देखो ये वाला पार्ट तो इवन है. ठीक है अच्छा अब मैंने बोला कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ कॉन्स्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कॉन्स्टेंट है और ये मेरा क्या है ऑड है तो सम कॉन्स्टेंट इन टू ऑड मेरा इवन तो नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि इस टर्म को जीरो हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा. अगर ये जीरो हो गई तो हमारा फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा कॉस एक्स बचेगा विच इज इवन. या तो ऐसे समझ लो या फिर वन ऑफ एक और तरीका क्या है समझने का एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो दोनों को इक्वेट करो देन यू विल सी कि दिस टर्म हैज टू बी जीरो. कैसे मैंने बोला एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर बाय ए और जो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब सिंस द फंक्शन इज इवन दोनों को इक्वेट करो तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो इधर से क्या आया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए टू टाइम्स आ जाएगा बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस दिया है तो माइनस है उधर इधर आके प्लस हो जाएगा इन टू साइन एक्स इसका ट्वाइस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है अब साइन एक्स तो हमेशा जीरो नहीं हो सकता ठीक है ना. हाँ ये चीज जीरो कब होगी वो डिपेंड करेगा ए पे. अब देखो तो अल्टीमेटली मुझे ये चीज जीरो करनी है ठीक है ना फॉर दिस डोमेन. अब मुझे पता है एक्स स्क्वायर कहां से कहां वेरी करेगा जब मेरा एक्स माइनस 20 से 20 करेगा तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां करेगा जीरो से 400. देखो ध्यान से मैंने बोला अगर एक्स जीरो माइनस 20 से 20 करेगा तो एक्स स्क्वायर विल गो फ्रॉम जीरो टू 400. अब मैंने सोचो ये जो न्यूमरेटर है वो 400 तक जा रहा है अगर ए की वैल्यू 400 से बड़ी ले ली 400 से बड़ी ले ली तो दिस विल बी अ फ्रैक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन विल बी जीरो. हैंस द वैल्यू अलाउड वैल्यूज ऑफ ए फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट जीरो इज 400 से बड़ी. ठीक है ना क्लियर हुआ. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. ठीक है ये फंक्शन रूल मैंने वैसे भी तुम लोगों को वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय कौन सा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन
दिख रहा है x, जैसे मैंने एक ही पावर x लिया तो इधर आ जाएगा एक ही पावर x प्लस y, और इधर आ जाएगा एक ही पावर x इनटू एक ही पावर y। तो मैंने बोला जो फंक्शन इस फंक्शनल ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा डायरेक्टली आई कैन अज्यूम दैट एज a की पावर x। a निकालने के लिए उसने इंफॉर्मेशन दे रखा है कि f ऑफ 1 इज 3, तो 3 इज इक्वल टू a की पावर 1, तो a की वैल्यू कितनी आई 3। तो फाइनली जो मेरा फंक्शन आया दैट इज नथिंग बट 3 की पावर x। अब तो रख दो फिर, वो तो gp बन रही है क्लियरली। एडिशन क्या लिखा है, f f1 + f2 + f3। f1 क्या हो जाएगा 3 + f2 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर + f3 3 क्यूब एंड सो ऑन, कब तक बोला उसने fn तक, तो 3 की पावर है। दिस इज नथिंग बट अ gp विद अ कॉमन रेशियो 3, ठीक है ना। तो gp का फॉर्मूला लगा दिया a into r की पावर, r यार इज कॉमन रेशियो व्हिच इज 3n -1 अपॉन 3 -1 दैट इज 3/2 टाइम्स 3 की पावर n -1। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बस यही मेन स्टेप था, fx इज इक्वल टू a की पावर x अज्यूम करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 11th वन है, 11th वन जो है एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री का इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और जो 11th वाला है बेसिकली तुम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी कर सकते हो, n की कोई भी वैल्यू रख दो, दैट इज वन ऑफ द अप्रोच, बट हम इसको सब्जेक्टिव से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। हम इसको सब्जेक्टिव से ट्राई करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये क्वेश्चन बेसिकली। क्या लिखा है, 2 cos θ -1 इंटू, देखना ध्यान से, जिसने भी ऑब्जेक्टिव से किया है यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्टिव अप्रोच ऑल्सो, ठीक है ना। 2 cos 2θ -1 इंटू 2 cos 4θ -1 इंटू एंड सो ऑन एंड लास्टली हियर इट इज 2 cos 2 की पावर n -1 इंटू थीटा -1, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा +1, ठीक है। हमें निकालना है f ऑफ पाई बाय 4। तो देखो एक तरीका, तो मैंने क्या बोला n की कोई भी वैल्यू रख दो, उसने बोला जब n belongs to natural number है तो हम तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो बेटर है कि एक बार n की वैल्यू 1 रख के देख लो, ठीक है, 1 रख ले या 2 रख लो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है ना, वो तुम लोग कर लोगे ऑब्जेक्टिव से। अब मैं बता रहा हूं सब्जेक्टिव अप्रोच, तो क्या किया देखो, इसको करने के लिए देखना मैंने किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2 cos θ + 1 से, देखना ध्यान से 2 cos θ + 1 से, ठीक है। अब ये दोनों टर्म क्लब करके क्या हो जाएंगी, देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 4 cos²θ - 1, ठीक है। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी फर्दर इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ठीक है, इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 2 cos²θ का हो जाएगा 1 + cos²θ, 1 + cos²θ, और ये माइनस वन लिखा है तो दिस विल बी 2 cos²θ + 1। देखो आया कि नहीं, तो इन दोनों का टर्म क्या आ रहा है, इसी का आ रहा है बस पॉजिटिव वाला, तो मतलब दिस इज इक्वल टू, चलिए इधर लिख ही लेते हैं, तो फाइनली हमारा है 2 cos²θ + 1, और इसके अगले वाला टर्म क्या है 2 cos²θ - 1 एंड सो ऑन 2 cos²θ - 1 एंड सो ऑन, लास्टली हियर इट इज 2 cos²θ - 1 इंटू थीटा -1, और डिनोमिनेटर भी बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, दिस आई विल राइट लेटर, क्योंकि इसको भी ऐसे रहने देना है। अब देखो अगेन सेम चीज मैं लगाऊंगा, तो देखो अब सिमेट्री से लिखेंगे हम, इन दोनों का लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का लिखा था तो मेरा क्या आया 2 cos²θ + 1, तो क्या हो रहा है बेसिकली थीटा ट्वाइस हो रहा है और बीच में प्लस आ रहा है, तो व्हेन आई विल ऐड, व्हेन आई विल डू फॉर दिस, तो व्हाट इट विल कम 2 cos²θ का क्या हो जाएगा, जैसे इधर थीटा था, सॉरी इधर थीटा था तो इधर हमारा क्या आ गया 2θ, तो इधर 2θ, इधर उधर क्या आ जाएगा 4θ + 1, अगेन इट विल क्लब विद दिस टर्म नाउ, तो ये दोनों टर्म क्या बनाएंगे 2 cos 8θ + 1, क्या बनाएंगे ये दोनों टर्म 2 cos 8θ + 1, अब समझ में आ गया होगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो इसके साथ इस वाले ब्रैकेट के साथ क्या टर्म बनेगी आगे के टर्म्स, देखना मैं इधर लिख रहा हूं 2 cos²θ + 1 इंटू थीटा प्लस वन, अब ये दोनों टर्म क्लब होंगे तो क्या बनेगा, देखो फाइनली आई एम राइटिंग, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, वो दोनों क्लब होके 2 cos²θ, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू थीटा प्लस वन, देखो ये बन गया हमारा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये लिखा है, यही लिखा है, तो ये चीज इससे कैंसिल हो गई,
तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद 1/2 cos थीटा प्लस 1, क्योंकि ये तो है ना, इससे तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ये तो एब्जॉर्ब हो गया था, ये रिमेनिंग है. तो अल्टीमेटली जो मेरा क्वेश्चन फाइनल एक्सप्रेशन बना दैट इज 2 cos थीटा प्लस 1, दैट्स इट. अब देख लो इंडिपेंडेंट ऑफ एन आया, इसलिए मैंने बोला था एन की वैल्यू कुछ भी रख लो. अब क्या करो तुम, थीटा की जगह पाई बाय 4 रख दो. तो थीटा की जगह पाई बाय 4 रखोगे तो cos पाई बाय 4 इज 1/√2, तो जो जाएगा √2/√2 व्हिच इज √2. अब रेशनलाइज कर दो तो √2 - 1 √2 - 1, तो नीचे आ गया 1, ऊपर बचा √2 - 1. तो इसको कॉपी कर लो तुम नोट्स में, ठीक है ना. और जो अभी करंट चैप्टर चल रहा है उसी में कर लो, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री उठा रहे हो फिर उसमें लिख रहे हो, राइट है इन नोट्स ओनली, ठीक है ना. जो क्वेश्चन तुम्हारे गलती हो रहे हैं ना एग्जाम में, थोड़ा सा भी तुम्हें लग रहा है कि ट्रिकी है या फिर गलत स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ओनली दोस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन नोट्स, और नोट्स में ही लिखना, अलग से मत लिखना, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स ही ऐसी चीज है जो हम आखिरी तक रिवाइज करते हैं. बाकी जो इधर उधर तुम नोट्स में सॉल्यूशन लिखते हो किसी और बुक में, वो सब नहीं टाइम मिलता है आखिरी में, इतना बर्डन हो जाता है, इतना सारी चीजें हो जाती हैं कि हमें हर एक चीज देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो लास्ट प्रायोरिटी होती है, लास्ट में जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एग्जाम के पहले, दैट इज नोट्स. तो जो तुम अभी गलती कर रहे हो अगर वो एग्जाम के तुरंत पहले देख लोगे तुम, एक दो दिन, पांच दिन, दस दिन पहले, तो तुम्हारी गलत होने की संभावना कम होगी, ठीक है ना. और याद रखना जो अभी तुम्हारे सही हुए एग्जाम में वो तुम्हारे जब भी सही होंगे, गलती वही होने हैं जो अभी तुम गलत कर रहे हो. तो वो जो गलत क्वेश्चन कर रहे हो उसी को तुम्हें अपने नोट्स में कॉपी करना है, ठीक है. मैं इसको रब कर देता हूं. हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट एफ डिफाइंड फ्रॉम, सॉरी पहले फंक्शन डेफिनेशन लिख लेते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है. And x goes from 0 to 2. X belongs from, goes from 0 to 2. Then the set of values of fx. So fx क्या क्या लेगा? तो चलो अब देखो इसको. अब देखो मैंने बोला कि हम ब्रेक कैसे करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को. हम देखते हैं किस x के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो चीज लिखी है ना वो इंटीजर बन रही है. तो इधर x square लिखा है तो इधर मैं 1 पे ब्रेक नहीं करूंगा डोमेन देख के. मैं सोचू 1 पे इंटीजर बन रहा है, बट 1 के अलावा भी तो इंटीजर बन रहा है. √2 पे ये इंटीजर बन रहा है, √3 पे भी इंटीजर बन रहा है. सो एट दैट पॉइंट वी हैव टू ब्रेक आउट, वी हैव टू ब्रेक द डोमेन. तो देखो मैं पहला क्या लिख रहा हूं, 0 क्लोज से 1 ओपन इस इंटरवल के लिए, देखना इस इंटरवल के लिए. फिर मैं क्या लूंगा नेक्स्ट, 1 क्लोज से √2 ओपन. √2 ओपन क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज स्क्वायर है ना, 2 ओपन आएगा, 2 ओपन आएगा तो उससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा. फिर मैं लगाऊंगा √2 से √3 ओपन एंड लास्टली √3 क्लोज से 2 ओपन. और x इज इक्वल टू 2 को मैं अलग से लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 2. तो अब मेरे देखो सारे डोमेन एनालिसिस होगा जो दिए, अब इसके करस्पॉन्डिंग fx लिख लेते हैं. तो देखो इस साइड लिख रहा हूं, जब x डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं fx इज इक्वल टू, देखना था जब x 0 से 1 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑफकोर्स फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 माइनस, ये 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 टू 1 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो fx की वैल्यू हमारी 0 आ गई. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. मैंने बोला 1 से √2 इसका जो स्क्वायर होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेके 2 ओपन, 1 से लेके 2 ओपन का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, 1 माइनस, फिर 1 से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1 उसका स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, ये इसके लिए हो गया. अब इस पे आते हैं. मैंने बोला √2 से √3, √2 क्लोज है तो इसका स्क्वायर कहां से कहां आएगा, 2 क्लोज से 3 ओपन, 2 क्लोज से 3 ओपन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, तो 2 माइनस √2 से √3 ओपन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो इधर आया 1. फिर आते हैं इस पे, f ऑफ x इज इक्वल टू √3 क्लोज से 2 ओपन, इसका स्क्वायर विल गो फ्रॉम 3 क्लोज से 4 ओपन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3 माइनस √3 से √2 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1, और 1 का स्क्वायर इज 1 व्हिच इज 2. एंड लास्टली एट x इज इक्वल टू 2 ये क्या हो जाएगा, 4, और ये भी क्या हो जाएगा, 4, 4 - 4 0 हो जाएगा,
तो इसके लिए यही मान लिया जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली आउटपुट में मुझे क्या क्या मिला, जीरो वन एंड टू, तो एफ एक्स विल बी जीरो एंड वन एंड टू फॉर दिस डोमेन। तो इससे देखो क्या सीखने मिला, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीरियर का क्वेश्चन आएगा ना हम ब्रेक करेंगे डोमेन को, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेक करने से क्या होता है वो जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाला एक्सप्रेशन होता है ना वो एक कॉन्स्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, मतलब इस टाइप से ब्रेक करना है। और हमें कीपिंग इन माइंड कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो चीज लिखी है ना वो इंटीजर बने, ना कि एक्स इंटीजर हो, ठीक है ना, याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। थर्टीन तो डोमेन का क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं एक बार क्योंकि इससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हमारा डोमेन और प्लस लॉग का वाला, हालांकि इतनी जरूरत है नहीं इसकी। देखो इन सच क्वेश्चन ना हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले तो ऑप्शंस देखना चाहिए, ऑप्शंस की वैल्यू से जाना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज सच क्वेश्चंस आर लेंथी एक्चुअली, बिकॉज जो बेस है ना लॉग का वो वेरिएबल है, तो क्योंकि फिर हमें इधर दो केसेस बनाने पड़ेंगे कि जो बेस है ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है, उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी ओपन होती है ना, क्योंकि अगर ग्रेटर देन वन होता है तो लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला इसमें ये वाला फंडा लगेगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी अगर ग्रेटर देन सी दिया है तो दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन बी की पावर सी, कब होता है ऐसा, इनइक्वालिटी रिमेन द सेम एंड बेस इज ग्रेटर देन वन, और दिस इंप्लाइज ये वाला, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन बी की पावर सी व्हेन बेस इज लेस देन वन, एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो तो होना ही है, तो ये वाला फंडा लगेगा यार, तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि बेस वेरिएबल है, तो चलो बना लेते हैं एक बार मैं पूरा कर देता हूं इसको, ठीक है, पूरा मतलब जहां तक इनइक्वालिटी बन रहा है उसके बाद इनइक्वालिटी तुम लोग कर लेना, मैं केसेस प्रॉपर बना देता हूं। लॉग 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा, माइनस ऑफ लॉग टू द बेस x प्लस 4 और लॉग ऑफ ये बेस 2 है, अब करेक्ट है, ठीक है ना, हाँ, तो अब देखो, अब मैंने बोला कि इसका वो निकालना है डोमेन, तो क्या करेंगे, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट हटाया, रूट हटाया, ये क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी लॉग डिफाइन होगा, ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस खत्म, इनइक्वालिटी का चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब आते हैं मेन चीज पे, अब क्या है, जो लॉग है उसका बेस वेरिएबल है, तो अब मुझे दो केसेस बनाने पड़ेंगे, क्या क्या, मैंने बोला केस वन, केस वन इज एक्स प्लस 4/2 इज ग्रेटर देन 1, एंड केस टू इज एक्स प्लस 4/2 इज लेस देन 1 एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, यू हैव टू कीप पुट दिस आल्सो, ऐसा नहीं ये नहीं करो, ठीक है, बेस शुड बी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब मैंने बोला ये क्या काम करेगा, ये डोमेन का काम करेगा केस 1 के लिए, अब हम क्या करेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दिस इस इनइक्वालिटी को फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और हमेशा जो आंसर आता है केसेस का उसके केसेस, दिस इज बेसिकली व्हाट, डोमेन ऑफ केस 1, दिस इज डोमेन ऑफ केस 1, ऐसा नहीं कि अब इसको ओपन किया इनइक्वालिटी को सॉल्व किया वो आंसर बोल दिया, नहीं, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे क्योंकि इस एक्स के लिए एनालिसिस कर रहे हैं ना, अगर ऐसा है तब देख रहे हैं हम इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, वो इनइक्वालिटी का आंसर क्या आया बाय अज्यूमिंग ये वाला ये थिंग, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना, इसका मतलब क्या है इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये हम डिटेल डिस्कशन किए थे इस चीज का इनइक्वालिटी में, जब भी केसेस बनाते हैं तो दिस वी आर कॉलिंग एज केस डोमेन का केस, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं इनइक्वालिटी के आंसर के साथ, चलो और एक इसको चलो मैं पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 2 हो गया 4 माइनस 2, इधर से आ गया x इज लेस देन माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दीज आर माई टू केसेस, ठीक है ना, तो ये हो गया डोमेन ऑफ केस 1 डोमेन ऑफ केस 2। अब केस 1 है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला वेल बेस इज ग्रेटर देन 1, अब हमारा क्या हो जाएगा, जो इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है दैट इज लॉग ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा लॉग a टू द बेस b, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम लेस देन इक्वल्स टू इसकी पावर 0 विच इज 1, अच्छा बट इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है, मुझे क्या है बेसिकली इस लॉग के लिए ये आर्ग्यूमेंट भी है ना, तो इस लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आर्ग्यूमेंट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे आई थिंक,
ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, ये बेस क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट बेस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं लिख देता हूं फिर भी, ये हो गया 2x - 1/3 + x, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 > 1। इसको तुम सॉल्व कर लेना उसका इंटरसेक्शन इसके साथ, दैट विल बी द आंसर फॉर केस वन। अब इधर आते हैं, व्हेन बेस इज लेस देन वन तब क्या होगा हमारा, ये जो लॉग है, आर्ग्यूमेंट है लॉग 2x - 1/3 + x, ये क्या जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसकी पावर 0 व्हिच इज 1। अच्छा अब मैं, अब बोलोगे सर इसको ग्रेटर देन 0 करो, इसकी भी तो जैसे इधर किया था ग्रेटर देन 0, तो करने की जरूरत नहीं, जब हम ऑलरेडी बोल रहे दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, बाय डिफॉल्ट दैट मींस दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा ग्रेट, हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे, फिर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम डायरेक्टली बोलते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज सफिशिएंट, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो अपने आप 0 से बड़ा होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है केवल, चलो इसको और लिख लेते हैं, 2x - 1/3 + x, इधर 2 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक तो ये सॉल्व करना है, फिर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ। So this is answer for case 1, this is answer for case 2, उन दोनों का यूनियन इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। चलो